देखिए इस मासूम बच्चे की तस्वीर, इसकी उम्र 8 साल है और रंग सांवला। अगर ये बच्चा आपको कहीं पर भी दिखाई दे तो हमें 2858। गोली, इसमें इतना खुश क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं आंटी, वो गोली गोगी को मिस कर रहा है। चलो खुश खबर गोगी को जाकर सुनाते हैं। अच्छा टप्पू, गोगी कहाँ चला गया? हाँ, हमने तो मेंढक को बाहर से ताला मारा था और बाहर जाने का तो एक ही रास्ता है, तो गोगी गया कहाँ? बंद कमरे से गोगी गुम कैसे हो सकता है? हाँ। अब क्या होगा टप्पू? मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर गोगी सच में नहीं मिला तो हमें तो बहुत डांट पड़ेगी। हाँ टप्पू, गोगी के सचमुच में किडनैप तो नहीं हो गया ना? कहाँ चला गया टप्पू? अगर गोगी नहीं मिला तो हम सब फंस जाएंगे, अब क्या करें? दादाजी, अब सिर्फ दादाजी में मदद कर सकते हैं। चलो चलो। दादाजी क्या हुआ टप्पू? दादाजी गोगी गुम हो गया है। हाँ चिंता मत कर, गोगी मिल जाएगा। दादाजी गोगी सचमुच में गुम हो गया है। हाँ दादाजी। देखो तुम लोग चिंता मत करो, सब लोग पुलिस स्टेशन गए हैं ना, थोड़ी देर में पुलिस गोगी को जरूर ढूंढ निकालेगी। दादाजी गोगी, दादाजी गोगी हमसे गुम हो गया है। क्या? हाँ दादाजी। गोगी तुमसे गुम हो गया मतलब? दादाजी गोगी को सुबह हमने ही गुम किया था और उसे कैरी आंटी वाले फ्लैट में छुपा के रखा था, लेकिन अभी गोगी वहाँ पर नहीं है। हाँ दादाजी। गोगी को तुम लोगों ने गुम किया था, तो अब गोगी कहाँ है? पता नहीं दादाजी, हमने तो कैरी आंटी वाले फ्लैट को बाहर से ताला भी लगाया था। हाँ दादाजी। अरे तो बंद कमरे में से गोगी गायब कैसे हो सकता है? हमें कुछ नहीं पता दादाजी। टपुड़ा टपुड़ा, ये तुम लोगों ने क्या किया? कुछ अक्कल बक्कल है कि नहीं तुम लोगों को? गोगी गुम हो गया तो 2 मिनट में तुम लोगों की ये हालत हो गई है, तो सोचो गोगी के माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम लोगों ने गोगी को छुपाया था क्यों? वो दादाजी गोगी को भी हमारी तरह टीवी पर आकर फेमस होना था, इसीलिए मैंने उसे गुम करने का प्लान बनाया था, लेकिन अब गोगी तो सचमुच में गुम हो गया है। सॉरी दादाजी। दादाजी प्रॉमिस, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा दादाजी, प्रॉमिस। दादाजी अब बताइए ना, गोगी का पता कैसे लगा है? कैसे लगा है क्या, अब एक ही तरीका है। क्या दादाजी? क्या दादाजी? पुलिस स्टेशन, पुलिस को सब सच सच बताना पड़ेगा। नहीं दादाजी, अब मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाना दादाजी, सॉरी दादाजी, नहीं दादाजी। अरे नहीं जाना है क्या? जाना ही पड़ेगा, तुम लोगों ने गुनाह ही ऐसा किया है और ऐसे गुनाह की सजा सिर्फ पुलिस ही दे सकती है। चलो। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है, प्लीज दादाजी। हाँ दादाजी। और दादाजी हमारे स्कूल में भी बहुत बदनामी होगी। हाँ दादाजी, स्कूल वालों ने हमारा सम्मान किया है और अगर ये बात पता चलेगी तो स्कूल में सब लोग हमें चिढ़ाएंगे। दादाजी हमें प्लीज बचा लीजिए दादाजी, प्लीज दादाजी प्लीज। गोगी, मैं तुझे बताता हूँ टपुड़ा कि गोगी यहाँ पर कैसे आया। जब सब लोग पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकले तो मैं घर आने के लिए निकला, तब मैंने देखा कि तुम लोग मोहनलाल के विंग की ओर जा रहे हो, तब मुझे तुम लोगों पे शक हुआ और मैंने तुम लोगों का पीछा किया। और 15-20 मिनट में तेरा लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। हाँ गोगी, और गोगी कुछ ही मिनटों में तू पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा।
तब मुझे पता चला कि गोगी तो कैरी के घर में है और तुम लोगों ने उसे वहाँ छुपाया है। फिर तुम लोगों के वहाँ से जाने के बाद मैं छत के रास्ते से घर आया, कैरी के घर की दूसरी चाबी ली और छत के रास्ते से वापस कैरी के घर गया। वहाँ से गोगी को बाहर निकाला और छत के रास्ते से ही गोगी को यहाँ लाकर उसे छुपा दिया। और ये सब मैंने तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए किया। दादाजी मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया सब गोगी के लिए किया। हाँ। अरे क्या गोगी के लिए किया, गोगी तो छोटा है, वो तो कुछ भी जीत करेगा, लेकिन तुम लोग तो उससे बड़े हो ना, तुम लोगों को तो समझना चाहिए कि नहीं। तो बुढ़ा आज तूने मेरा बहुत दिल दुखाया है, जा आज से तेरी मेरी कट्टी। सॉरी दादाजी, दादाजी आप मुझसे कट्टी मत कीजिए दादाजी, दादाजी ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा दादाजी, प्रॉमिस दादाजी, प्लीज दादाजी। दादाजी टप्पू से कट्टी मत कीजिए ना। हाँ दादाजी, टप्पू ने जो भी किया है मेरे लिए ही किया है। हाँ दादाजी। ये मेरे लिए किया वाली गोगीड़ी, चल अभी घर चल, सुबह से तेरी मम्मी रो रो के आधी हो गई है, चलो सब लोग। गोगी गोगी पुत्र, मुझे पहले से ही पता था कि गोगी मिल जाएगा। इतना परेशान हो गया था, कहा था तू यार मुगी। रोशन बाहर निकल, रोशन रोशन देख अपना गोगी मिल गया। प्याला एकदम से, अरे कितना परेशान किया इसने तुमको। गोगी मिल गया, ए भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया सोडी, गोगी मिल गया भाई, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। अरे चाचा जी, लेकिन ये तो बताइए कि ये गोगी मिला कहाँ आपको? अरे हाँ चाचा जी, गोगी पुत्र कहाँ से मिला? हाँ राइट, वो यही सोसाइटी में ही था। सोसाइटी में? सोसाइटी में? सोसाइटी में कैसे हो सकता है, हमने तो सबने ढूंढा उसको सोसाइटी में, बराबर ना? किसने अपना काम बराबर नहीं किया, किसने नहीं ढूंढा? यार भाई आपने ढूंढा कि नहीं बराबर? जेठालाल मैं तो बराबर उधर अंदर गया भी था, उधर सब बहुत देखा भी मैंने, बहुत अंधेरा था उधर, फिर भी मैं देखने गया, लेकिन उधर नहीं था। अरे हमने हर जगह ढूंढा था, मैं उस विंग में भी गया था, ऊपर तक गया था, यहाँ देखा था, कहीं नहीं मिला था। सारी जगह छान मारी थी, कहीं भी नहीं मिला। ये सोसाइटी में तो सब जगह ढूंढा था ना। अरे सुनो सुनो, हाँ बोलो बोलो। तुम लोगों को गोगी कैसे मिलता? क्योंकि किसी ने उसको कैरी वाले घर में छुपा दिया था। ओ भाई, छिपाया था कैरी वाले फ्लैट में? किसने छिपाया था, नाम बताओ मुझे उसका। हाँ, किसने छिपाया था बोलिए बापू जी। टप्पू ने। टप्पू 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 ने। हाँ टप्पू ने, सबसे पहले तो टप्पू ने हमारे घर से कैरी वाले घर की चाबी की चोरी की और फिर गोगी को वहां छुपा दिया। ओए जेठालाल, टप्पू ने ये ठीक नहीं किया। अरे हाँ ऐसे बात सही, ये भी कोई तरीका है क्या, ऐसे कोई छोटे से बच्चे को छुपाता है क्या? जेठालाल, किसी भी बच्चे को इस तरह छुपा देना बहुत बड़ा क्राइम है, ये संस्कार दिए तुमने टप्पू को? बिल्कुल सही कहा यार तुमने, अरे ये संस्कारी तो है। अरे और टप्पू की शरारत तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है।
और ऐसा ही चलता रहा ना तो हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। जेठालाल, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि टप्पू इस तरह की हरकत कर सकता है। ये आपके पूरे परिवार के लिए एकदम शर्मजनक बात है। क्या क्या मुझे सुनना पड़ रहा है सबका? ये क्या किया तूने? अरे दया, मैं दुकान जाता हूँ, घर में रहकर तूने यह संस्कार दिया टप्पू को? अरे जेठा भाई, शांत शांत। अरे क्या शांत अंजलि भाभी, क्या शांत? ये सब लोग बराबर बोल रहे हैं। ये छोटे से खोगी को ऊपर कमरे में कुछ हो जाता तो मैं सबको क्या मुंह दिखाता? नालायक! बताया, आज तूने कैसी हरकत की है? आज तूने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिया है। लेकिन मम्मी, नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी टप्पू। मम्मी मुझे पता है मैंने गलती की है, पर गलती? अरे भाई तूने शॉट मारा, सोटी की बारी का कान टूट गया, ऐसी छोटी गलती नहीं है, ये गुनाह है, गुनाह। हाँ जेठा, आज तक मैं ही तुझे मना करता था ना, आज मैं तुझे कहता हूँ भेज दे टप्पू को बोर्डिंग स्कूल में। नहीं दादाजी, नहीं। और मुझे, हाँ बापूजी, मैं इसे कल के कल भेजूंगा बोर्डिंग स्कूल में, वो भी सीधी साधी नहीं, वो मिलिट्री मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल में जाएगा ये। नहीं। हाँ भेज दो, साथ बना के रखे। लेकिन जेठालाल सुनो तो। नहीं मेहता साहब, आज कोच मत बोलना, आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगा, ये जाएगा मतलब जाएगा बस। ठीक है, भेज देना बोर्डिंग स्कूल, मैं खुद छोड़ने चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन पहले उस बच्चे को एक बार अपनी सफाई का मौका तो देने दो। अरे उससे पूछो तो कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि गोगी को उसने घर में छुपाया। मजबूरी क्या इसमें? अरे ये हम क्यों तय करें, पहले उससे सुन लो कि क्या कहानी है, क्या हुआ, किसकी वजह से गोगी को लेके गया वो। सही कह रहे हैं आप। बोलो बेटा, क्या क्यों हुआ ऐसा? वो अंकल, हम चारों टी पर अगर फेमस हो गए और गोगी टी पर नहीं आया, उस बात को लेकर गोगी को बहुत बुरा लगा। तो जब हम स्कूल से लौट रहे थे तब गोगी ने जिद की कि तब तक मैं फेमस नहीं होऊंगा, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। गोगी तू जिद मत कर, तू पहले घर चल। नहीं, मैंने बोला नहीं मतलब नहीं। गोगी, टप्पू, मैंने बोला ना नहीं। ओके चल गोगी, मैं तुझे टीवी पर भी लाऊंगा और तुझे फेमस भी करूंगा, लेकिन उसके लिए पहले तुझे घर आना पड़ेगा। पक्का मुझे टीवी पर लाएगा? हाँ गोगी, पक्का। तू अंधेरी में रहने वाले मिस्टर चेतन गानी का 8 साल का बेटा दानू उर्फ दानेश पिछले 10 घंटों से लापता है। गौर से देखिए इस मासूम बच्चे की तस्वीर जो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, और अगर ये आपको कहीं दिखाई दे तो हमें जरूर संपर्क करें। यार गलती तो मेरे गोगी पुत्र की है, टप्पू ने तो जो कुछ भी किया वो गोगी पुत्र की जिद पूरी करने के लिए किया। अरे इसने तो अपनी दोस्ती निभाई। नहीं सोडी, बात इतनी सीधी नहीं है मेरे दोस्त। माना कि इन्होंने एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, दोस्तों को मदद करनी चाहिए, हम भी ये सिखाते हैं इन्हें। इनका उद्देश्य बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन ये तरीका कितना गलत है। हाँ। बच्चों तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने गलती नहीं की है, तुमने क्राइम किया है, अपराध किया है तुमने। बराबर गोली, आइकल सोनू। अरे भाई गोगी तो बहुत छोटा है, उसे क्या मालूम, मासूम है, उसने जिद कर दी कि मुझे फेमस होना है, और तुम लोगों ने उसे फेमस करने के लिए ये हरकत कर डाली। अरे तुम्हें पता है किडनैपिंग किसे कहते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर तुम टेलीविजन पे आने को क्यों फेमस होना समझते हो, और इतना बड़ा अपराध। अरे भाई तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई समस्या है, तो तुम्हें अपने माँ बाप से बात करनी चाहिए, अपने बड़ों को कहना चाहिए, ये नहीं कि खुद कोई कदम उठा लिया।
अरे तुम्हें पता नहीं है कि बड़े हो के अगर 18 साल की उम्र के बाद अगर ये अपराध करते ना तो 18 साल की कैद हो जाती तुम्हें, इतना बड़ा क्राइम है। भाई टप्पू तुम सारे लोग शरारत करते हो, मैं जानता हूं कि बच्चों को शरारत करनी चाहिए, लेकिन बेटा शरारत में और इतने बड़े क्राइम में बहुत बड़ा फर्क होता है बच्चे। मैं समझता हूं कि तुम्हारा उद्देश्य बिल्कुल ठीक था, तुमने बहुत मासूमियत से यह काम किया, लेकिन काम गलत था, बहुत गलत था। गलती का एहसास करो अपने। सॉरी अंकल। सिर्फ सॉरी से नहीं चलेगा, सारे बच्चे मुर्गा बनो, कान पकड़ो और बोलो कि आज के बाद ऐसा गुनाह कभी नहीं करोगे। चलो चलो मुर्गा बनो, चलो मुर्गा बनो, चलो हाँ हाँ मुर्गा बनो, चलो सब मुर्गा बनो, चलो सोनू खाली बात चलो कर। ओ गोगी पुत्र तू अब तक किधर खड़ा है, चल बच्चों के साथ मुर्गा बन। शाबाश छोटे शाबाश, ये सब तेरी वजह से हुआ। हाँ, चल 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 चल, चल। हाँ। टप्पू ठीक तरह से मुर्गा बनो। सीखा सीखा जाके सीखा उसको जरा। साड़ी में कैसे आपका लहंगा दीजिए तो बराबर कर रहा है। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हे भगवान। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि गोगी रोशन सिंह सोनी जो कि सुबह से कहीं लापता था अब मिल चुका है। जी हाँ, आपकी दुआएं, आपकी मन्नतें, आपकी प्रार्थनाएं काम कर चुकी हैं और गोगी रोशन सिंह सोनी सही सलामत वापस आ चुका है। बहुत अच्छा बच्चो, गलती की तो उसकी सजा भी मिली। बराबर करो। अरे गोली तुम खड़े हो, झुको झुको नीचे मुर्गा बनो। अरे झुको नीचे। हाँ। मुर्गा बनो और कान पकड़ो वरना मैं पापा को बोलूंगी। हाँ मम्मी, पापा को बोल दो ना कान पकड़े। अच्छा हंस, अरे हंस कहाँ है? अरे हाँ हाथी भाई कहाँ है? हाँ हाथी भाई कहाँ है? मेहता साहब जी, हंस आपके साथ पुलिस स्टेशन गए थे ना? कभी ना ना ना, हमारे साथ नहीं थे वो पुलिस स्टेशन में। हमारे साथ तो नहीं आए थे। क्या लो, गोगी मिल गया और डॉक्टर हाथी गुल। थैंक यू भाई, थैंक यू कल तक। अरे बाप रे बच गया। अरे नहीं नहीं, ओ देखो आ रहे हाथी भाई। अरे ये लो आ गए। ओहो आ गए वो हाथी भाई, कहाँ रह गए थे आप? अब इन्हीं से पूछ लो कहाँ गए थे, हमारे साथ तो नहीं थे। हंस कहाँ गए थे तुम? पुलिस स्टेशन। कौन से? आप लोग तो रिक्शा में बैठ के निकल गए, मुझे पूछा भी नहीं, मुझे किसी रिक्शा वाला ने बिठाया ही नहीं, मैं पैदल पुलिस स्टेशन गया। ओहो वहाँ पहुंचा तो आप लोग वहां से निकल रहे थे, मैंने आवाज भी दी, आप लोगों ने सुना नहीं। क्या भीड़े, पीछे सुनना चाहिए था ना। वहां भी किसी रिक्शे वाले ने नहीं बिठाया, 10-20 रुपए ज्यादा भी देने की कोशिश की, फिर वहां से पैदल चल के आ रहा हूँ। सॉरी सॉरी हाथी भाई। कोमल बहुत थक गया हूँ, बहुत भूख लगी है। बराबर है। गोगी मिल गया। कहाँ था हाथी भाई? हुआ यू के वो पुलिस?
लीजिए, गोकुल धाम सोसाइटी के लोग पुलिस स्टेशन गए और हंगामा खड़ा कर दिया। वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब पुलिस खुद गोकुल धाम आ गई है। अब कितने हंगामे हो गए ना, आप जानते हो ना मैं। लेकिन एक चीज मुझे जरूर लगती है कि गोकुल धाम सोसाइटी का नाम बदलते हैं हम लोग, अब इसे भूकंप सोसाइटी रख देते हैं। देखिए ना कितने भूकंप पर भूचाल आते हैं भाई, कुछ चीज नॉर्मल तो है ही नहीं। अब देखिए ना, टप्पू सेना नाम के भूकंप ने कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी गोगी को फेमस करने के चक्कर में। बच्चों, आपकी जरा सी नादानी, आपकी थोड़ी सी शरारत आपके माँ बाप को कितनी तकलीफ पहुंचा सकती है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण था ये। हमेशा कोई ऐसा काम मत कीजिए जो आपके माँ बाप को तकलीफ पहुंचाए, नादानी में ऐसा कुछ मत कीजिए जो सबके लिए परेशानी का सबब बने। और माँ बाप, आपसे भी एक चीज कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को सही शिक्षा दीजिए। आप भी इतने अतिरिक्त उत्साह में मत आ जाइए बच्चों को टीवी पे दिखाने के लिए या फेमस करने के लिए। लेकिन इस वक्त प्रश्न ये है कि पुलिस गोकुल धाम में पहुंच चुकी है, मुझे नहीं मालूम आगे किस मोड़ पे कितने हंगामे हैं, कितने धमाके हैं, लेकिन आपके लिए हर मोड़ पे सिर्फ ठहाके हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते रहिए। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।